आवाज ऐकला असेल तर माझाच ऐकला असणार, बाकी कोण करत नाही आयटम. मुंबई टू गोवा कधी सफर केला? ट्रेन मध्ये बसला, ट्रेन मध्ये बसल्यानंतर ट्रेन जेव्हा स्टार्ट होते तर त्याच्यात आवाज आहे ना बदलत असतात. ट्रेन सुरू होते आवाज बदलतो, नीट लक्ष द्या आताकडे. ट्रेन अचानक फास्ट होते आवाज बदलतो, अचानक ट्रेन लाईन चेंज करते तेव्हा त्याचा आवाज बदलतो. वरतून ट्रेन जाते, खालून गटर लागतात, नाले लागतात, खड्डे लागतात, आवाज बदलतो. गुफा भुयारून जेव्हा ट्रेन जाते तेव्हा त्याचा आवाज एक वेगळाच असतो. अचानक समोरून ट्रेन पास होते, इकडून दोन्ही ट्रेन एक दुसऱ्याला क्रॉसिंग करून निघतात, आवाज चेंज होतो. अचानक ट्रेन डग मारते, आवाज चेंज होतो. हे सारे आवाज मी आपल्या समोर सादर करतोय. माझ्या गळ्याला काही मशीन लागलेलं नाही, फक्त श्वासावर माझा आयटम आहे. पा, आवडला तर नक्की टाळ्या वाजवा, कारण का ह्याच्यामध्ये माझी मेहनत लागलेली आहे. पा, मुंबई टू गोवा. Mm-hmm.
एक आवाज ऐसी है जो हम लोग को दिन रात तकलीफ देती है। अपने एरिया मध्य कुछ प्राणी असा जो आपका दिन रात त्रास देते डॉगी। यस, इस गली का कुत्ता उस गली में गया, या गली का कुत्ता त्या गली मध्ये गेला की भांडण होते। कारण तो तिकडचा दादा असतो, हा इकडचा दादा असतो, पण हा दादा कोण आहे? हा राशे कोणाचा आधार कार्ड आहे? त्याला बसायला द्या। त्याचं रेशन कार्ड कुठं आहे? या गलीतला कुत्रा त्या गलीमध्ये गेले की भांडण होते, पण आता माझा आयटम आहे का आणि उद्या बसून आहे का? तुम्हाला असं वाटेल की खरंच रणजित आला होता, त्याने खरं सांगितलं कुत्रे ऍक्च्युली भांडत नाही, आपापसामध्ये बोलतात, असं वाटेल हा कुत्रा त्या कुत्र्याला काहीतरी बोलतोय, तो कुत्रा ह्या कुत्र्याला काहीतरी बोलतोय, तिसरा कुत्रा मध्ये येतो, दोघांना समजवतो, दोघे पण समजत नाही, तिघे पण समजत नाही, मग पिल्लू येते। पिल्लू आल्यावर काय होते बघा, तिकडचा कुत्रा तिकडे गेलाय, तिकडचा कुत्रा तिकडे गेलाय, कधी पण रिएक्शन कशी असते बघा, हा त्याला काय म्हणतो? अच्छा, आपको प्राइज मिलने वाला है और प्राइज मंडल की ओर से मिलेगा। जो ये आवाज निकालूंगा वो आवाज किसकी है पहचानने का ज्यादा वक्त नहीं लेता हूँ, सिर्फ तीन चार आवाज निकालूंगा, जो आवाज कभी आपने सुनी नहीं वो आवाज निकालूंगा। फिल्मी कलाकारों की आवाज है और ये आवाज आप लोग हमेशा सुनते हैं, लेकिन जो सुनते हैं वो मैं आवाज निकालूंगा नहीं, जो नहीं सुनती है वो आवाज निकालूंगा। फिल्म का नाम और एक्टर का नाम बताना है, जो हाथ ऊपर करेगा वहां से मुझे बताएगा कि ये कौन सी किस फिल्म की आवाज है और एक्टर कौन है। लीजिए पहली आवाज। लाला मेरे माँ के कंगन दे दे लाला, ये बिरजू कभी गांव की चोरियों को नहीं छेड़ता लाला, ये 20 साल के बाद इस बेड़े की बात बाहर गई है। यस सर। यस, सुनील दत्त, मदर इंडिया, आपको मंडल की ओर से 501 लागू। 501 पैसा नहीं भाई, साबुन। यस, दूसरी आवाज, दूसरी आवाज पहचानो, एक्टर का नाम पहचानो, फिल्म का नाम पहचानो। जब्बर सिंह का नाम सुना है? जब्बर सिंह जिस डाली पे नजर डालता है वो डाली डाली नहीं होती, 20 साल के बाद इस बेड़े की बात बाहर गई है। कौन है वो हरामजादा जिसने पुलिस को इत्तला दी? मेरे सामने आ जाए, वरना अगर मैंने चुन के निकाला तो ऐसी मौत मरेगा कि जैसी मौत कभी देखी नहीं। बता सकता है कौन है ये? यस, विनोद खन्ना। कौन बोल रहा? मेरा गांव मेरा देश, ये आवाजें है जो कोई निकालते नहीं है। एक आवाज है मराठी, टिपिकल आवाज है मराठी आवाज, सुनो। अरे गाणो आकाश पासून पाहतो काय लावलं काय नुसते नुसते आपले बसले टाळे पण वाजवणार आहे, वाजवा वाजवा काय, वा वा छान छान छान। बघा चांगला कार्यक्रम आहे आणि या कार्यक्रम मध्ये तुम्ही सर्व आहात। अरे गुंड्या मोरो इकडे इथला कंप्लेट प्लॅन काढू काशी। येस, दिलीप प्रभावळकर, दिलीप प्रभावळकर। येस, जाता जाता लास्ट अमिताभ की 5 आवाज आहे। अमिताभ बच्चन ची 5 आवाज आपल्या समोर सादर करतो। आपण बोलूया 5 आवाज कसे? अमिताभ थोडस बेस्ट आहे। हाँ, अमिताभ की 5 आवाज है। आप बोलेंगे अमिताभ की 5 आवाज है कैसे? सबसे पहले अमिताभ इंडस्ट्री में आए, जब इंडस्ट्री मध्ये आले तेव्हा त्यांचा आवाज थोड़ा सा बेस नव्हता, पातळ होता, कसा होता? नंतर आवाज मध्ये चेंज होत गेला। पहला आवाज कसा होता? फिल्म दीवार, आज कुछ तो बहुत हो गए तुम, कुछ तो बहुत हो गए तुम, जिसने आज तक मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ी वहां तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। आज कुछ तो क्या तुम पहले उसकी साइन ने कहा जितने मेरे हाथ पे ये लिखी आज कुछ तो बहुत हो गए तुम। देखो भगवान तुम्हें जो करना है वो कर लो, लेकिन मुझे मेरी माँ वापस दे दो, मुझे मेरी माँ वापस दे दो, मुझे मेरी माँ। पहला आवाज,
दुसरा आवाज अमिताभ कालिया पिक्चर मध्ये येईपर्यंत आवाज चेंज झाला. कालिया पिक्चर मध्ये आवाज चेंज झाला कसा? हा चढतो लय की जजन जडतो सर्द पातक लय की चला गेल साहेब. कालिया के मग का अंदाजा नाही. कालिया हा दिवस पान के जा सकता है. मग आवाज चेंज झाला अग्निपथ. अग्निपथ मध्ये पूर्ण टोन चेंज केला. कुछ नहीं मांगता अपन को, ये सिर्फ तुम्हारा ये अली बाबा पढ़ो पढ़ाओ बोलो. हाँ ये विजय दीनानंद जीवन. मैं अभी तक पान फॉर्म बोलता कैसे बोलता? अरे भैया मुक्ता जी का नाम सुना है? अरे मुक्ता जी वो है, अरे रास्ते तो चल पड़े तो भैया घर भी लग जाता है. अरे अमिताभ रो के बोलते हैं, रो के बोलते हैं. जब आप टीवी पर उनकी एडवर्टाइज सारे देखते हैं तो एडवर्टाइज को मसाला मैंने बनाया. देखिए अमिताभ रो के बोलते हैं रोने का अंदाज. हर बचपन से लेकर आज तक मैंने अपने कंधे पर सर रखकर जीवन गुजर है. अरे पूरी फिल्म के बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया. लोगों ने 15 साल तक घर में बिठा के रखा, मुझे काम नहीं दिया. लोगों ने काम देना बंद कर दिया. फिर ये अचानक कौन बनेगा करोड़पति वाले आ गए भाई. अरे कौन बनेगा करोड़पति वालों ने मुझे फिर से करोड़पति बना दिया है. और जब मेरा काम धंधा बंद था तो मेरे बंगले का सीमेंट जो है वो पूरा निकल चुका था, गिर चुका था. तो ये पूर्व प्लस वाले और ये अपने बिनानी सीमेंट वाले आ गए भाई. अरे बिनानी सीमेंट वालों ने पूरा बंगला बना दिया और पूर्व प्लस वालों ने मरम लगा के मुझे फिर से खड़ा कर दिया. जया बच्चन कभी कभी खोपड़ी खराब कर दी थी तो नवरत्न तेल ले लेता हूँ अपने खोपड़ी में. अरे बीमार तो मैं कभी रहता नहीं हूँ क्योंकि डॉक्टर 660 मेरे घर में हमेशा रहता है और आने जाने के लिए जुपिटर टीवीएस लेके रखी हुई है. आज मेरे पास धन दौलत सोना चांदी सब कुछ है. क्यों? क्योंकि कल्याणी ज्वेलर्स मेरा दोस्त है भाई. थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. आपण इथे बोलवलं आणि कार्यक्रमाचा